नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में एमसीडी के खिलाफ सड़क पर उतरे सदर बाजार के व्यापारी। पुरानी दिल्ली में एमसीडी द्वारा सदर बाजार थाने से लेकर बारह टूटी की दोनों साइड की सड़क पर पार्किंग बनाए जाने व शुल्क वसूल करने के विरोध में बुधवार को व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों व्यापारियों ने फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, वाइस चेयरमैन पवन खंडेलवाल, अध्यक्ष राकेश यादव, सुरेंद्र महेंद्रू, महासचिव सतपाल सिंह मंगा, कमल कुमार की अध्यक्षता में एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और एमसीडी हाय हाय, एमसीडी अपनी तानाशाही बंद करो, पार्किंग के नाम पर व्यापारियों से पैसा वसूलना बंद करो, रोड पर पार्किंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। इस दौरान व्यापारियों ने पूरा बारह टूटी चौक को जाम कर दिया। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर 13 मई तक एमसीडी ने पार्किंग पर रोक नहीं लगाई तो सदर थाना रोड के व्यापारी दोपहर 2 बजे तक अपनी दुकानें बंद करके विरोध प्रकट करेंगे। देखिए, ये जो पार्किंग माफिया है ये पूरा हैवी हो चुका है। ये एमसीडी की मिली भगत से यहाँ पर जुट की गई है। इसका विरोध पूरा सदर बाजार के व्यापारी कर रहे हैं क्योंकि ये होलसेल मार्केट है। इसको लेकर जो जिस प्रकार एमसीडी ने ये गेम खेली है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि एमसीडी एक तरफ तो पटरी हटा नहीं पा रही, पटरी माफियों से पैसा खुल के खा रही है, और दूसरी ओर अब इन्होंने ये जो पार्किंग माफिया भी यहाँ ला के बिठा दिया है। इसका मतलब सदर बाजार के व्यापारियों को ख़त्म करने की साजिश है जो हम नहीं बर्दाश्त होने देंगे। हमारा यही कहना है ऐसी पार्किंग के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर बाउंसर ला के खड़े कर दिए हैं व्यापारियों के ऊपर, जो व्यापारियों को वसूली करने लग गए हैं, धमका रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और जहाँ तक भी हुआ हम सदर बाजार के व्यापारी इस पार्किंग के खिलाफ पूरा मार्केट में उतरेंगे। दुकानें भी बंद करनी पड़ी क्योंकि किसी दुकान के आगे कोई गाड़ी खड़ी करके चला गया तो वो उसे माल लेना हो या देना हो उसकी दुकान के बाहर पूरा कब्जा हो गया वो पार्किंग का, वो ना माल दे पाएगा ना ले पाएगा। होलसेल मार्केट को ये समाप्त करने की साजिश है। देखिए, अभी हम ट्रैफिक पुलिस से भी बात कर रहे हैं, हम एमसीडी अफसरों से भी बात कर रहे हैं, हम दिल्ली पुलिस के अफसरों से भी बात कर रहे हैं, और जो हमारे जो एमसीडी के काउंसलर या रह चुके हैं जो मेयर हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। अगर कोई हल नहीं निकलता तो हम उनके विरोध भी प्रदर्शन करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बंदर बांट की तैयारी हो रही है। जिस प्रकार पैसा आएगा कैसे बटेगा, और जब खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। तो ये जो माफिया है ये सदर बाजार के लिए हानिकारक है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए जो एमसीडी ने अलाट की हुई पार्किंग है उनका हाल देख लो, वहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं, वहाँ पर पानी का इतना बुरा हाल है, कीचड़ होता है वहाँ पर, देख लीजिए लोगों का बुरा हाल हो जाता है। मगर किसी प्रकार भी जो वहाँ पर जो सुविधा है कोई भी एमसीडी नहीं देती, सिर्फ एमसीडी पैसा वसूलने का काम। व्यापारी जो है आज परेशान है पार्किंग माफिया के खिलाफ, कारण क्या है? देखिए, परेशानी तो अब आने वाली है, अभी तो ये कुछ दिन से शुरू हुआ है जो इनका खेल, ये तो आगे जाके हमें बहुत परेशान करने वाले हैं। आज सदर बाजार का सारा व्यापारी अपनी दुकानें छोड़ के, अपना व्यापार छोड़ के इस धूप में, कड़कती धूप में खड़ा है इन एमसीडी की वजह से। इनके बाउंसर, इनके पार्किंग वाले सब साइडों में खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें किसी हद तक भी जाना पड़े, कोई कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं। हम किसी तरीके से कोई इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ दुकानों के आगे पार्किंग थोड़ी ना बन जाएगी, पार्किंग है हमारी, रेलवे की पार्किंग है, सदर थाना की पार्किंग है जो बनाई है, एक इन्होंने एमसीडी और पार्किंग बना दी है अपनी जगह पे। पार्किंग में हमारे घर के में घुस के थोड़ी ना ये पार्किंग बनाएंगे। आज हमारी दुकानों के बाहर ये पार्किंग बेच रहे हैं जगह, कल को हमारी दुकानों के अंदर घुसेंगे। आज हमारा व्यापारी कहाँ से आगे माल उतारेगा रखेगा? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अब हम सबसे मिलने जा रहे हैं, हमारा डेलीगेशन सबके पास जाएगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।